आउटपुट करंट आरएमएस आउटपुट करंट डीसी आउटपुट करंट एंड रिपल फैक्टर नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स अबाउट इनपुट पावर सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इनपुट पावर से लास्ट वीडियो में हमने फाइव पॉइंट्स स्टडी किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर के नाउ इनपुट पावर बेसिकली पावर का फॉर्मूला हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका पावर का फॉर्मूला होता है हमारा वी आई इनपुट वोल्टेज इनटू आई आई इनपुट करेंट ठीक है अगर हमें इनपुट पावर कैलकुलेट करना है बेसिकली यहां पर हमें इनपुट पावर तो कैलकुलेट करना है लेकिन हमें एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर कैलकुलेट करना है ठीक है तो अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो ये जो आपका वी आई था वो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज था इनपुट वोल्टेज आपका एक डायोड लगा था ठीक है, and यहाँ पर आपकी करंट और RL के अक्रॉस आप कैलकुलेट कर रहे थे वी नॉट तो यहां पर जो आई है लोड करंट वही आपकी क्या होगी आई आई भी होगी क्लियर है ना क्योंकि एक लूप में करंट आपकी क्या होगी सेम होगी तो बेसिकली हमें जो पावर P इन कैलकुलेट करना है वो क्या होगा V I इनटू I I तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया हुआ है कि V I जो होता है वो होता है V M साइन ओमेगा टी और I I हमने स्टडी किया था फॉर जीरो से पाई के लिए जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है तो I M साइन ओमेगा टी क्लियर यहाँ तक नाउ यहाँ पर जीरो से पाई के लिए तो आई एम साइन ओमेगा टी होता है हमारा तो जो आपका पी इन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहां पर वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी बेसिकली ये हो जाएगा वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी नाउ हमें यहां पर पता है कि जो आपका आई एम होता है और वी एम होता है उसमें रिलेशन क्या है हमने स्टडी किया था कि जो आई एम होता है वो होता है अपॉन ठीक है या जो वी एम होता है वो क्या हो जाएगा आई एम इंटू आर एफ प्लस आर एल तो हम बेसिकली लिख क्या सकते हैं टी क्लियर सो यहां पर अब अगर हम सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को और पी एवरेज कैलकुलेट कर दैट मीनस इनपुट एवरेज पावर सो ये आपका क्या होता है एवरेज वैल्यू वन बाई टू पाई जीरो से टू पाई देन ये हो जाएगा आपका पी इन, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है दैट मींस आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू आर एफ प्लस आर एल तो आर एफ प्लस आर एल कॉन्स्टेंट है आप इसे आउटसाइड भी लिख सकते हैं देन डी ऑफ ओमेगा टी एवरेज वैल्यू का यही formula था हमारा वन बाई टू पाई जीरो से टू पाई क्लियर नाउ हमें पता है कि जो im है वो जीरो से पाई तक है क्योंकि पाई से टू पाई तक im कितना है जीरो है तो ये कितना हो जाएगा हमारा आर एफ प्लस आर एल डिवाइडेड बाई टू पाई देन आईएम स्क्वायर भी आपका कॉन्स्टेंट है और जीरो से पाई हो जाएगा ये वन माइनस कॉस टू ओमेगा डिवाइडेड बाय टू क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है थीटा डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय तो हमारा क्या हो जाएगा टू पाई देन आई एम स्क्वायर ठीक है इसके बाद वन बाय टू टू को भी आप आउटसाइड कर सकते हैं तो वन का जो आपका इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा आपका ओमेगा टी ठीक है ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो वन का हो जाएगा ओमेगा टी और कॉस टू ओमेगा टी का दैट डी एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा आपका साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू नाउ हमें पता है यहां पर कि जो साइन जीरो होता है वो भी जीरो होता है साइन पाई भी जीरो होता है साइन टू पाई भी जीरो होता है तो आपका यह टर्म पूरा क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि लोअर लिमिट क्या है जीरो अपर लिमिट क्या है पाई तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा तो टी में पाई पुट करने पर पाई आएगा जीरो पुट करने पर जीरो तो आंसर क्या बचेगा पाई पाई और पाई आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आर एफ प्लस आर एल इंटू आई एम स्क्वायर बाय फोर ठीक है तो पी इन एवरेज ये हमारा आ गया आर एफ प्लस आर एल इंटू आई एम स्क्वायर बाय फोर ठीक है और अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो हम लोगों ने आई आर एम एस कैलकुलेट किया था ठीक है आउटपुट करंट का आर एम एस वैल्यू तो जो आई आर एम एस की वैल्यू हमारी आई थी वो आई थी आई एम बाई टू तो यहां से आर एफ प्लस आर एल इन टू हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर एस ठीक है क्योंकि आई आर एम एस हमारा कितना आया था आई एम बाई टू और यहां पर आपको क्या मिला है आई एम स्क्वायर बाय फोर तो यही आपका फॉर्मूला होता है इनपुट पावर एवरेज इनपुट पावर बेसिकली ठीक है नाउ यहां पर सिक्स पॉइंट कंप्लीट होने के बाद जो सेवेंथ पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है हाफ वेक्टिफायर में वो है आपका अफिशियंसी तो अफिशियंसी आप ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ETA आपका क्या होता है ये बेसिकली आपका रेशियो है डीसी आउटपुट पावर का और इनपुट पावर का ठीक है तो डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर दैट मीनस पी इन एवरेज ठीक है तो एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है कि आपको आउटपुट पावर डीसी क्योंकि अचीव तो हुआ डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय जो इनपुट पावर था उसका एवरेज वैल्यू कितना है यही होता है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो यहां पर जो ईटा आपका, आपका आएगा देखिए डीसी आउटपुट पावर क्या हो सकता है पावर हमें पता है क्या होता है आई स्क्वायर आर ठीक है डीसी आउटपुट पावर मतलब आई आई क्या होना चाहिए डीसी तो आई स्क्वायर डीसी आउटपुट आप किसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं आर के अक्रॉस तो आर क्या होगा आर ठीक है तो डीसी आउटपुट पावर दैट मीनस आई स्क्वायर डी इंटू आर एल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा इनपुट पावर तो इनपुट पावर मीन्स इनपुट पावर मीन्स है एवरेज इनपुट पावर दैट मींस आर एल आरएल इनटू आई आरएमएस, तो आर एफ प्लस आर एल इंटू आई स्क्वायर आर एम एस क्लियर यहां तक तो यहां से जो ईटा आपका आ जाएगा आई डी सी की वैल्यू आपको पता ही है आप लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो आई डी सी की आपकी वैल्यू होती है वो होती है आई एम अपॉन पाई ठीक है तो ये आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर हो जाएगा देन प्लस आई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एंड आई एम स्क्वायर यह आपका क्या हो जाएगा कैंसिल क्लियर यहां तक देन ये जो फोर है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा फोर पाई का स्क्वायर टू आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल क्लियर तो ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नाउ यहां पर एक पॉइंट क्या होगा हमारे लिए कि अगर आप बात करते हैं आइडियल डायोड की ठीक है आइडियल डायोड तो आइडियल डायोड का मतलब क्या होगा शॉर्ट सर्किट दैट मींस जो डायोड का फॉरवर्ड रजिस्टेंस है वो क्या होगा जीरो होगा तो उस केस में जो एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आर एल बाई आर एल इंटू फोर बाई पाई स्क्वायर दैट मीनस फोर बाई पाई स्क्वायर हो जाएगी ठीक है और इसे अगर हम लोग सॉल्व कर लें, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है पॉइंट फोर जीरो अगर आप इसे परसेंटेज में लिख लें तो एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी आइडियल केस में फोर्टी पॉइंट फाइव परसेंट क्लियर तो ये आपकी एफिशिएंसी होती है इन हाफ वेव रिएक्टिफायर जो कि काफी लेस है आप देखोगे फुल वेव रिएक्टिफायर में अफिशंसी आपकी कितनी आएगी इसकी जस्ट डबल हो जाती है ठीक है तो ये पॉइंट हमें माइंड में रखना होगा नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर एट पॉइंट नंबर एट में हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है डीसी डायोड वोल्टेज तो डीसी डायोड वोल्टेज क्या होता है बेसिकली डीसी डायोड वोल्टेज मीन्स ये आपका एवरेज वोल्टेज होता है अक्रॉस द डायोड ठीक है तो आपको करना क्या होता है या आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो अगर हम बात करते हैं डीसी डायोड वोल्टेज की तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो इंस्टेटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द डायोड का एवरेज वैल्यू ठीक है तो अगर आप इंस्टेटेनियस डायोड वोल्टेज निकाल लो उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो तो आपको निकल जाएगा डीसी डायोड वोल्टेज क्लियर तो यहां पर अगर हम लिख दें वी डी सी डायोड ये किसके इक्वल हो जाएगा एवरेज ऑफ इंस्टेनियस वोल्टेज क्लियर सो यहां पर हमें डायोड वोल्टेज का पहले इंस्टेनियस डायोड वोल्टेज का एनालिसिस करना होगा तो हमने डायोड के रेस्पेक्ट में दो केसेस लिए थे अगर हम केस वन की बात करते हैं दैट मींस ओमेगा टी की वैल्यू जीरो से पाई तक तो हमने वहां देखा था कि डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वी डायोड कितना हो जाएगा जीरो जब आपका डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बायस होगा ठीक है अप्रोक्सीमेटली मैं डायोड रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेके चल रहा हूं फॉरवर्ड बायस मीनस अप्रोक्सीमेटली वी डायोड जीरो शॉर्ट सर्किट नाउ केस टू केस टू की अगर हम बात करते हैं दैट मीनस पाई टू ओमेगा हमने कैलकुलेशन किया था कि डायोड आपका रिवर्स बायस होता है ठीक है अगर आपका डायोड रिवर्स बायस होगा तो यहां पर मैं डायग्राम वापस से बना देता हूं आपके लिए यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या था आपका वी आई ठीक है डायोड रिवर्स बायस मीन्स ओपन सर्किट एंड देन आपका आर एल प्लस माइनस वी नॉट ठीक है तो यहां पर जो आपको डायोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है वी डायोड तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखिए अगर आप यहां पर केवीएल लगा दें तो ये कितना हो जाएगा माइनस वी आई प्लस वी डायोड प्लस जीरो क्योंकि करंट जीरो है ओपन सर्किट है तो आर एल के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा जीरो होगा वी नॉट क्या होगा जीरो तो माइनस वी आई KVL लगाते टाइम क्या करना होता है वोल्टेज का पहला साइन तो माइनस वी आई प्लस वी डायोड इज इक्वल टू जीरो तो वी डायोड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी वी आई तो वी डायोड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वी एम साइन ओमेगा टी क्योंकि वी आई की वैल्यू हमने यही लिखी हुई है यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करवाना चाहूंगा जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं होता क्या है पाई से टू पाई के बीच में जो आपकी साइकल होती है इनपुट की वो नेगेटिव होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वी आई में ऊपर प्लस लिखें कि माइनस लिखें या वी डायोड में प्लस लिखें कि माइनस लिखें आपको जो ओरिजिनल फिगर है जो ओरिजिनल फिगर है उसी के साइन फॉलो करने हैं ठीक है आपको साइन में कोई चेंजेस नहीं करना है ओरिजिनल फिगर में चाहे डायोड फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो आपने क्या लिखा है प्लस फिर माइनस ठीक है वैसे ही डायोड का साइन आपने कैसे बनाया है इस तरीके से तो पहले क्या आ जाएगा आपका प्लस फिर क्या आ जाएगा माइनस क्लियर है तो आपको ओरिजिनल फिगर के साइन फॉलो करने हैं आपको कोई चेंजेस नहीं करना है आपका आंसर हमेशा सही आएगा क्योंकि आपने पाई से टू पाई में वी लिया है पाई से टू पाई में आपको नेगेटिव वापस से करने की जरूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव है तो जो साइन है आपको एज इट इज रहने देना है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है तो एक्चुअल में आपके लिए इजी है कि आपको कोई चेंजेस नहीं करने नाउ ये जो वी डायोड आ गया वी एम साइन ओमेगा इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है जीरो से पाई के बीच में तो वी डायोड वी डायोड डीसी मीन्स डीसी डायोड वोल्टेज मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ वी डायोड क्या होता है डीसी वैल्यू वन बाई टू पाई जीरो टू टू पाई तो आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं आप जानते हैं कि जीरो से पाई में वी डायोड कितना आया जीरो तो आप क्या लिखेंगे पाई से टू पाई वी डायोड कितना आया वी एम साइन ओमेगा क्लियर है ना लिमिट आपकी होगी जीरो से टू पाई लेकिन आप देख सकते हैं केस वन में जीरो से पाई में वी डायोड कितना आया जीरो तो जीरो से पाई लेने की जरूरत नहीं है देन पाई से टू पाई इसमें वी डायोड कितना आया वी एम साइन ओमेगा टी तो आप लिख दीजिए नाउ पाई और आप देख सकते हैं वीएम कॉन्स्टेंट है तो ये भी आउटसाइड इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में और लिमिट क्या है पाई से टू पाई क्लियर है अच्छे से तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा माइनस कॉस ओमेगा तो यहां पर वी एम अपॉन टू पाई चूंकि माइनस साइन है तो पहले आप लोअर लिमिट पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा कॉस पाई कॉस पाई क्या होता है माइनस वन अपर लिमिट पुट करते हैं तो कॉस टू पाई कॉस टू पाई हमारा क्या होता है कॉस टू पाई होता है वन तो माइनस टू और टू यहां पर कैंसल होगा तो क्या बचेगा माइनस वी एम अपॉन पाई तो ये होता है हमारा डीसी डायोड वोल्टेज क्लियर है अच्छे से तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए आज की वीडियो में आने वाली वीडियो में हम डीसी डायोड वोल्टेज का यूज करते हुए और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे लाइक नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर तो ये सारी चीजें आने वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे अगर आज की वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं थैंक यू